तो शुरू करते हैं आज का न्यूज़। 23 फरवरी। अब देखिए ये न्यूज़ में क्या है कि ये पूर्व गवर्नर है, ठीक ना, फॉर्मर गवर्नर साहब थे ये सत्यपाल मलिक, सुनेंगे आप लोग। तो इनके घर पे ना रेड मारा है, ठीक ना, छापा पड़ा, तो इसी से ये बहुत नाराज है। तो लेकिन इसमें एक चीज का जिक्र किया गया है, हाइड्रो प्रोजेक्ट का। थोड़ा सा हमको उसके बारे में समझना है। और ये जो है आपका टॉपिक रिलेटेड किससे है, तो जीएस पेपर 3 में आता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें। तो थोड़ा सा समझते हैं इसको, किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। यहाँ पढ़ोगे ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो किरू हाइड्रो प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये क्या है, द रन ऑफ द रिवर स्कीम बींग डेवलप्ड ओवर द चेनाब रिवर इन द किश्तवाड़ तहसील ऑफ दोदा डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। क्या याद रखना, पहला ये जम्मू एंड कश्मीर यूटी में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में जी, तो डोडा डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सा ब्लॉक है, तहसील, तो किश्तवाड़, पूरे याद रखना है किश्तवाड़। किस नदी पे है ये क्यूरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो चेनाब रिवर, ठीक है ना, कौन सी है, चेनाब नदी पे है। अब समझते हैं कि रन ऑफ द रिवर स्कीम क्या होता है। तो देखिए अगर आप लोग सुनेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कैसे होता है, तो जैसे ये मान लीजिए बांध बना दिया, और बांध से क्या होता है, पानी नीचे गिरता है, यहाँ पे क्या लगा रहता है, टरबाइन लगा रहता है ना, जैसे पंखी लगा रहता है मोटर में, तो जब इस पे पड़ता है पानी तो ये चक्की घूमता है, ये घूमने लगा तो मोटर में पावर सप्लाई होने लगा। लेकिन इसमें क्या है, कोई दूर से डिस्टेंस से वाटर नहीं गिर रहा है, फिर तो जैसे नॉर्मल फ्लो वाटर हो रहा है ना, वहीं पे लगाया हुआ है टरबाइन, समझ गया। तो नॉर्मल वाला पे ही लगा, मतलब नॉर्मल नदी की जो स्पीड है उसी में लगाया गया ये। जैसे ये देखिए, अगर फिर ध्यान से देखिए, तो इधर से पानी आ रही है और यहाँ पे क्या है, ये प्रोजेक्ट लगा हुआ है, तो आराम से चल रहा है। तो कोई है डिस्टेंस वाला नहीं है, जैसा और सब हाइड्रो प्रोजेक्ट में होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे है बताइए, जम्मू एंड कश्मीर में, किस डिस्ट्रिक्ट में है जी, तो डोडा डिस्ट्रिक्ट में है, किश्तवाड़ तहसील है, और किस नदी के, चेनाब हाँ किस नदी पे है, चेनाब वैली, चेनाब, सॉरी, चेनाब रिवर पे। अब देखिए इस प्रोजेक्ट को डेवलप किसने किया, तो चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट। अब ये क्या है, एक ज्वाइंट वेंचर है, मतलब और सारी कंपनी इसमें ज्वाइन किया हुआ, जैसे नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, मतलब एनएचपीसी, इसका 49% शेयर है। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका है 49%। अब बाकी जो 2% है किसका है, पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। तो ये तीनों कंपनी मिलके इसे स्टार्ट किया हुआ है। कितनी कैपेसिटी है यहाँ पे, तो 624 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम क्या है, तो देखिए ए टाइप ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन प्लांट वेयर लिटिल और नो वाटर स्टोरेज इज प्रोवाइड। तो यहाँ वाटर स्टोरेज होता है, नहीं हो रहा है, बस पानी बहता हुआ जा रहा है, उसी में टरबाइन चल रहा है। तो दिस सिस्टम्स प्राइमरीली यूज द नेचुरल फ्लो रेट ऑफ रिवर्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इंस्टेड द पावर ऑफ वाटर फेलिंग ए लार्ज डिस्टेंस। तो कह रहा है कि जैसे वाटरफॉल में बहुत दूर से पानी गिरता है, फिर वहां पे लगा रहता है क्या, टरबाइन, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें वाटर स्टोरेज का कोई बात ही नहीं है, बस नॉर्मल जो नदी का स्पीड चल रहा है उसी पे क्या चल रहा है, टरबाइन चल रहा है। चलिए समझ गए होंगे, जिनको कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए ये कहा हुआ है कि जम्मू एंड कश्मीर में है, ये गुलमार्ग जगह है, तो वहां पे आवा लॉन्च की वजह से क्या हुआ, एक रशियन वहां पे डाइड हो गए हैं। अब तो हमको ये समझना है, आपको ज्योग्राफी या एनवायरनमेंट बोलिए, आवा लॉन्च क्या है, ज्योग्राफी होना चाहिए, ज्योग्राफी कर लीजिएगा आवा लॉन्च। तो आवा लॉन्च क्या है समझते हैं, एन अवालांच इज अ रैपिड फ्लो ऑफ स्नो डाउन ए स्लोप सच एज हिल और माउंटेन। तो जी हिली और माउंटेन वाला एरिया है ना, वहां से क्या होता है, तो उस एरिया में स्नोफॉल होता है, और बहुत स्पीड में, जैसे हवा चलती है ना, वहां पे बर्फ की हवा चलती है अवालांच में। और क्या होता है, तो सेट ऑफ स्पॉन्टेनियसली बाय फैक्टर सच एज इंक्रीज प्रेसिपिटेशन और स्नो पैक वीकिंग और बाय एक्सटर्नल मीन्स सच एज ह्यूमंस और अदर एनिमल्स एंड अर्थक्वेक। तो कहता है ये आवालांच जो है क्या कैसे हो सकता है, तो एकदम स्पॉन्टेनियस, मतलब अचानक से आ जाएगा, तो
आ सकता है। तो और इसके रीजन क्या है, तो अगर प्रेसिपिटेशन, तो वर्षा अगर ज्यादा है तो उसके वजह से भी होता है, अगर स्नो कम बन रहा है, बर्फ कम बन रहा है तो भी। देखिए इसको समझिए, थोड़ा सा फील करिए, जैसे बर्फ बर्फ पैकेट कम बनेंगे, तो अगर बर्फ पैकेट पूरा बन गया क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, लेकिन वो क्या हुआ, थोड़ा लाइट वेट बन गया तो क्या होगा, हवा के साथ चलने लगेगा, समझे, तूफान की तरह। अगर ज्यादा वेट है तो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। और किस वजह से होता है, तो एक्सटर्नल मीन्स जैसे ह्यूमन एक्टिविटी से, एनिमल के एक्टिविटी से, या अर्थक्वेक के एक्टिविटी से भी आवालांच आते हैं, समझ में आया, आवालांच, बर्फानी तूफान जिसको कहते हैं। ओके अब कहता है कि दे आर प्राइमरीली कंपोज ऑफ फ्लोइंग स्नो एंड एयर। अब ये बनता कैसे है, मतलब आवालांच, तो बर्फ फ्लो कर रहा है एयर के साथ, तो हवा चल रही है और बर्फ भी उसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, तो क्या होगा, ये चलने लगेगा। कहता है लार्ज अवलांच हैव द कैपेबिलिटी ऑफ कैप्चर एंड मूव आइस रॉक्स एंड ट्री। अगर ज्यादा बड़ा अवलांच बनाओ तो क्या करेगा, ये आइस को भी मूव कर सकता है जो ग्राउंड में है, बड़े बड़े चट्टानों को, बड़े बड़े पेड़ को अपने साथ लेके चल सकता है। एक टाइप का सर ये तूफानी है ना हाँ, अवालांच। अगर आप लोग, हाँ एक बाहुबली मूवी है, अगर उसमें देखे होंगे, वो दोनों हीरो हीरोइन जो है भागते हैं उधर से, बर्फ का जो चलता है वही जस्ट लाइक उसी का। चलिए ये एक देखिए, मैक अमूल वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेयरी ब्रांड मोदी टेल्स फार्मर्स, ये गुजरात गए थे तो अमूल के समारोह में जो है इन्होंने बोला कि हम जो है अमूल ब्रांड को क्या करेंगे, दुनिया के टॉप लेवल में लाएंगे। ये क्या है, अमूल डेयरी प्रोजेक्ट है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन थर्सडे एक्सॉर्टेड, एक्सॉर्टेड मतलब होता है संबोधन करना, डेयरी फार्मर्स इन गुजरात टू मेक अमूल द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेयरी प्रोडक्ट या डेयरी ब्रांड। तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी ब्रांड बनाने की बात कर रहे हैं, किसको, अमूल को। तो मोदी जी बोले हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर बोले हैं, तो हमें समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अभी क्या स्टेटस है अमूल का, तो 8th लार्जेस्ट डेयरी वर्ल्ड का, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टस से। और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो जो डेयरी प्रोडक्ट है, ये जो हाँ डेयरी सेक्टर है, कितना परसेंट पर ईयर जो है ग्रो कर रहा है, तो 2%। और इंडिया का जो डेयरी है, ठीक है ना, इंडियन डेयरी पूरे वर्ल्ड के अनुसार कितना परसेंट डेवलप कर रहा है, 6%। इंडिया पूरा वर्ल्ड 2% डेवलप कर रहा है, ये अकेले 6% डेवलप कर रहा है। चलिए आगे एक न्यूज देखिए, ये है वर्ल्ड रेस टू इराडिकेट गिनिया वर्म डिजीज नियर द फिनिश लाइन। तो गिनिया वर्म डिजीज जो है ये लगभग खत्म होने के कगार पे है, थोड़ा सा समझते हैं कि ये है क्या। अब देखो पहले समझिए, ये है क्या, तो गिनिया वर्म डिजीज क्या है, किसके वजह से इसको जो है ये भी नाम जाना जाता है, क्या है, ड्रैकून कुलियसिस, इस ये भी नाम से जाना जाता है, क्यों, क्योंकि इनका इन्फेक्शन जो है वो एक राउंड वर्म है, ड्रेनकुलस मेडिनेंसिस, ठीक ना, तो राउंड वर्म है, राउंड ये है ना, राउंड ऐसा राउंड करके इस तरह का ये जो है, इट प्राइमरीली अफेक्ट्स पीपल इन रूरल एरियाज। तो ज्यादा किसको अफेक्ट करता है, ये रूरल एरियाज को, गांव वाले इलाके को, ठीक है, तो कहाँ का, साउथ एशिया और साउथ सॉरी सहारा अफ्रीका और साउथ एशिया वाले एरिया में ज्यादा ये फैलता है, ठीक है। अब कहता है कि क्यों, क्योंकि ये लोग जो है सहारा वाला रीजन और साउथ एशिया का रूरल वाला जो रीजन है, तो वहां के लोग जो है रिलाय है, मतलब डिपेंडेंट है किस चीज पे, कंटामिनेटेड वाटर सोर्स, मतलब प्रदूषित वाटर पे, समझ गया, पोल्यूटेड वाटर पे, और वही वाटर को वो लोग क्या करते हैं, ड्रिंकिंग, ठीक ना, बाथिंग एंड अदर पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, तो इसी वाटर में इसके क्या है, इन्फेक्शन होते हैं। तो इसको कैसे समझेंगे, लाइफ साइकिल समझ, और ये लाइफ साइकिल कोई भी डिजीज का समझना इम्पोर्टेंस होता है, तो पहले समझते हैं इसको। ये फिगर दिख रहा है आप लोग को, यस सर। ठीक है, मैंने जो देखिए यहाँ यहाँ पे लिखा हुआ 4 पॉइंट्स, इसे भी बताऊंगा, इसी को मैं फिगर में पहले समझा रहा हूँ, फिगर समझ रहिएगा, कभी भी पढ़िएगा तो याद आएगा। अब समझते हैं, देखिए ये आदमी है और ये आदमी क्या किया,
वुमेन ड्रिंकिंग अनफिल्टरेड वाटर कंटामिनेटेड कॉपी पोट्स विथ L3 लार्वा। तो ये आदमी क्या किया, पानी पिया, और इस पानी में क्या है जी, कॉपी पोट्स है। कॉपी पोट्स क्या है, एक जू प्लैंकटन है, एक टाइनी ऑर्गेनिज्म है, छोटा ऑर्गेनिज्म है, वो लार्वा के फॉर्म में रहता है, अंडा के फॉर्म में रहता है, पानी में मिला हुआ, और ये आदमी पानी पिया। तो जब पानी पिएगा तो क्या होगा, लार्वा जो है क्या करेगा, रिलीज रिलीज होगा। तो लार्वा रिलीज कब होगा, तो देखिए कॉपी पोट्स क्या है, तो कॉपी पोट्स जो है, कॉपी पोट्स, ये कॉपी पोट्स क्या होता है, तो जो वर्म है हमारा, कौन सा, ये वर्म गिनिया, ठीक ना, गिनिया वर्म जो है, इसके लार्वा को खाए रहता है कौन, कॉपी पोड्स। कॉपी पोड्स खा लिया, यहां से नहीं तो समझिए, नहीं यही सही समझ, एक नंबर। तो कॉपी पोड्स क्या करता है, वर्म जो जो कीड़ा है उसके लार्वा को खाए रहता है। तो जब कॉपी पोड्स मर जाएगा तो उसके बॉडी से क्या होगा, लार्वा रिलीज होगा, तो लार्वा रिलीज हो जाएगा। जब लार्वा रिलीज होगा तो क्या करेगा, स्टोमेक जो है, स्टोमेक हमारा, स्टोमेक का ट्रैक्ट को, स्टोमेक को, स्किन को क्या करेगा, पेनेट्रेट करेगा, और इंटेस्टाइन को, वाल को पेनेट्रेट करेगा। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या करेगा, मेल और फीमेल दोनों आके मैटिंग, जब मिल जाएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, तो वर्म जो है, जो कीड़ा है, जो अंडा फॉर्म में था, वो बड़ा हो गया। अब वो बड़ा हो गया तो क्या करेगा, चल जाएगा स्किन सरफेस पे, जो हमारा बॉडी है, बॉडी के स्किन सरफेस पे चला गया, जैसे ये पैर, और यहाँ पे ब्लिस्टर निकलेंगे, फोड़े फफोड़े, ठीक ना, वो फोला समझते हो, फोला क्या बोलते हैं उसको, फुंसी टाइप जो निकलता है, या उसको क्या बोलते हैं, फोड़ा जो होता है, बड़ा बड़ा सा घाव की तरह, वो निकलेगा, और वहां से क्या होगा, लार्वा जो है रिलीज हो जाएगा। तो लार्वा रिलीज होकर कहाँ चला जाएगा, पानी में चला जाएगा, चला गया पानी में, और इस पानी में क्या है, इस वाला फिगर में लार्वा नहीं है, इस पानी में है कॉपी पिट्स, है कॉपी पोड्स। तो कॉपी पोड्स है, तो इसको फिर वो लार्वा मिलेगा, फिर उस लार्वा को खा लिया, खाया हुआ, अब इस कॉपी पोड्स को, जब लार्वा खा लिया कॉपी पोड्स को, फिश खाएगा या डॉग खाएगा, वो भी इन्फेक्टेड होगा, ठीक है। अब किसको कौन खाया, कॉपी पोड्स, कॉपी पोड्स खा लिया, फिर कॉपी पोड्स क्या करेगा, पानी में मिला हुआ, फिर यही पानी लोग पिएगा, तो फिर उसे ये डिजीज हो जाएगा। तो ये एक साइकिल चलते रहता है, समझ गया कहानी। ऊपर तो बताया था ना ये इंस्टिंक्ट खत्म होने की कतार पे। हाँ, मतलब खत्म होने के कगार पे, लेकिन इस बीमारी को समझना है कि बीमारी कैसे फैलता है, ठीक है। अब देखिए लाइफ साइकिल इसका कैसे चल होता है, जो फिगर में बताया ना वही चीज है। तो क्या लिखा हुआ, कि व्हेन इन्फेक्टेड वाटर रिसोर्स कंटेन्स टाइनी क्रस्टेशियंस, तो एक टाइनी क्रस्टेशियंस कौन है, कॉपी पोड्स, ये क्या करता है, इंजेस्टेड द गिनिया वर्म लार्वा। तो जो गिनिया है, गिनिया वर्म जो है कीड़ा, उसके लार्वा को क्या करता है, ये खा जाता है कॉपी पोड्स। और जब आदमी क्या करता है, ऐसे वाटर को कंज्यूम करता है, तो कॉपी पेट सहित कंज्यूम कर लिया उस कीड़े को, उस कीड़े को खा लिया, और ये लार्वा क्या करता है, वो अंडा जो है कॉपी पेट का, वो और वर्म का जो कीड़ा है, उसके लार्वा को क्या करता है, बॉडी में एंटर करने के बाद ये पहुंच जाएगा हमारे मसल्स में, और मसल्स में जब चला जाएगा, 1 साल के बाद क्या करेगा, फीमेल और मेल ग्रो करेगा, मैच्योर हो जाएगा, दोनों मेटिंग करेंगे, फिर उससे अंडा निकलेगा, और वो अंडा क्या करता है, बॉडी के हमारा स्किन जो वहां पे फफोले निकलेंगे, वहां फफोले से फटके उसके जो लार्वा क्या होंगे, पानी में जाके फिर से चले जाएंगे, और फिर पानी में जब चले गए, फिर उसको कॉपी पोड्स खाएगा, फिर वैसे पानी को लोग पिएगा, फिर ये साइकिल कंटिन्यूस बेसिस पे चलता रहता है। किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछिए, ये समझ में आ गया, जल्दी बोलिए। अच्छा कोई मैसेज कर रहे हैं, देखते हैं क्या है। चलिए ठीक है ना, हाँ सर, अब तो फिर कल मिलिए, ठीक है, थोड़ा सा आज लेट हो गया, नेक्स्ट टाइम से याद रखेंगे, चलिए। आई हैव क्वेश्चन।